स्पेशल, ठीक है जी। पेस्ट स्पेशल में मैंने कुछ अपने पास डाटा बनाया है, ये थोड़ा सा कलरफुल लग रहा है पर ऐसे ही। इसमें क्या खास बात है, इसमें मैंने डेट डाली हुई है, ठीक है जी। और यहाँ पे मेरे पास डेट है, यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखा है, यहाँ पे मैंने सेल्स का कुछ फिगर डाली है, इसमें मैंने अमाउंट डाला हुआ है। मतलब ये नंबर फॉर्मेटिंग है डेसिमल प्लेसेस में, दो डेसिमल प्लेसेस आप देख रहे हैं। तो देखिए, जब भी आप रियल डेट फॉर्मेट यूज करती हैं और पेस्ट एज वैल्यूज को यूज किया जाता है, जो पेस्ट एज वैल्यूज है या तो हम राइट क्लिक करके लाते हैं या फिर होम के पास जाके यहाँ पे पेस्ट में जाके पेस्ट स्पेशल यहाँ से लाते हैं, ठीक है जी। तो पेस्ट एज वैल्यूज में हम क्या यूज करते हैं, यहाँ से वैल्यूज यूज करते हैं, मोस्टली यूज करते हैं। बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका सब कुछ सही रहता है पर ये आपका डेट जो है कुछ नंबर्स में चेंज हो गया, ठीक है जी। और यहाँ सेल्स देख रहे हैं, यहाँ पे सेल्स आपके डबल डेसिमल जो प्लेस थे मेरे वो गायब है, ठीक है जी। तो ये एक फॉर्मेटिंग का पार्ट होता है। फॉर्मेटिंग में जैसे आप अभी तक जहां तक है मेरा आइडिया, आप जानती होंगी कि बोल्ड इटैलिक सेल का कलर चेंज कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। बट जो फॉर्मेटिंग है, मुझे नंबर और डेट की भी फॉर्मेटिंग का पता है। बहुत बढ़िया। तो फिर मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसके ऊपर, कि अगर आपको कभी इसमें नंबर फॉर्मेटिंग चाहिए तो हमारे पास पेस्ट स्पेशल में एडिशनल ऑप्शन है कि हम ये वाला ऑप्शन यूज ना करके यहाँ वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट्स का यूज करें, ठीक है जी। ओके ठीक है। तो आपके नंबर फॉर्मेट डिस्टर्ब नहीं होंगे। दूसरी प्रॉब्लम हमारे साथ है कि यहाँ जो मैंने एक कॉलम की सेटिंग की हुई है, कॉपी पेस्ट जब भी हम करते हैं तो छोटी मोटी में तो हम कॉलम सेटिंग कर लेते हैं, पर जब ज्यादा बड़ा डाटा हो जाता है तो बार बार कॉलम इधर से आगे से पीछे खींच खींच के परेशान हो जाते हैं उसमें। तो आपके पास पेस्ट स्पेशल में ये भी ऑप्शन है कि आप कॉलम विड्थ को भी पेस्ट कर सकती हैं, ठीक है जी। मैं कॉलम विड्थ सिलेक्ट करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, तो कॉलम सेटिंग्स से एक साथ ही अप्लाई हो जाएंगी आपकी, ठीक है जी। दूसरा चीज है हमारे पास इसमें ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, बॉर्डर छोड़ के सब कुछ। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं, पर है तो बता दे रहा हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट चीज होती है इसमें, दो ऑप्शंस इकट्ठे कर सकते हैं, जैसे कॉलम विड्थ एंड वैल्यूज एंड और नंबर फॉर्मेट्स को इकट्ठे अगर करना हो तो कर सकते हैं। देखिए अब क्या होता है इसमें कि कंट्रोल सी और कंट्रोल वी जब करते हैं तो हमारा ये ऑल का ऑप्शन चलता है, ठीक है जी। और इसके अलावा एक्सेल क्या करता है, एक्सेल के बाकी ऑप्शन जो हैं सारी फॉर्मेटिंग के सारे पार्ट्स को तोड़ देते हैं। जैसे फॉर्मूला अलग हो गया, वैल्यू अलग हो गया, फॉर्मेट अलग हो गया, कमेंट अलग हो गया, वैलिडेशन अलग हो गई, ठीक है जी। तो ये इनको तोड़ देता है। तो एक बार में तो नहीं कर सकती पर बार बार कर सकती हैं। एक ही बार आपने कॉपी किया है जैसे डेटा को, जैसे मैंने यहां पे है, मैंने यहां से कॉपी किया, एक बार कॉपी किया, अब मैं पेस्ट स्पेशल में गया, पहले मैंने वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट कर दिए, देन मैंने क्या किया कॉलम विड्थ कर दी। बार बार कॉपी करने की जरूरत नहीं, एक बार कॉपी रहता है, कॉलम विड्थ कर दी, तो जितना चाहिए मैं सिलेक्ट कर करके डाल सकता हूँ। फुल फॉर्मेट चाहिए तो फुल फॉर्मेट से यहां से दे दिए, ठीक है जी। और इसका शॉर्टकट है कोई? ऑल्ट ES W है मेरे ख्याल से, जो मैंने देखा कॉलम विड्थ का। हाँ जी, देखिए शॉर्टकट के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा वो इसके बाद, पेस्ट स्पेशल के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें कि शॉर्टकट्स कैसे डील करने हैं अपने, हर तरह के, खाली यही नहीं। तो इसमें ऑल्ट ई एस से ही आपका डायलॉग बॉक्स खुलता है, बाकी क्या होता है वो मैं आपको शॉर्टकट के उसमें समझाऊंगा, ठीक है जी। ठीक है। देन क्या होता है हमारे पास इसमें, होता है ऑल यूजिंग सोर्स थीम, ठीक है जी। ऑल यूजिंग सोर्स थीम हम एक्सेल में यूज नहीं करते, पर होता क्या है, नॉलेज के लिए जान लीजिए कि एक्सेल सोर्स थीम, थीम मतलब होता है कि हम जो ये थीम यूज करते हैं, यहाँ पे पावर पॉइंट में हमारे पास थीम्स होती हैं अलग अलग, ठीक है जी। वो अलग अलग स्टाइल्स और अलग अलग टेक्स्ट जो आते हैं ना उन्हें थीम बोलते हैं, तो एक्सेल में ये चीज यूज नहीं करी जाती, ठीक है जी। तो उनका यूज भी नहीं करते हम लोग, तो उससे रिलेटेड है ये। बाकी इसके बाद आपने ये सारे ऑप्शन देखे, देखिए वैल्यूज में वैल्यूज करता है, फॉर्मूला में फॉर्मूला करता है, ऑल में वैल्यू फॉर्मूला हाँ दोनों ठीक है। करता है, ठीक है जी। कमेंट्स, कमेंट्स जैसे आपके कहीं कमेंट्स पड़े हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ये कमेंट्स डाल रखे हैं, कई लंबे हाँ लंबे जी, कमेंट्स होते ये हैं मेरे बार को बार, पता है।
हाँ तो कमेंट्स भी कर सकते हैं ये इसी तरह, कमेंट्स कर देगा पेस्ट। हाँ इसी तरह ये से बता आप, मुझे। आपने कहीं वैलिडेशन लगा रखा है जैसे ये लिस्ट देख रही है, इसी तरह से वैलिडेशन लगा रखा है तो केवल वैलिडेशन कॉपी करनी है तो आपके पास ये वैलिडेशन का भी ऑप्शन होता है कि इसमें हमने वैलिडेशन लगा दी। वैलिडेशन को इसी तरीके से लगाया जाता है मल्टीपल में, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये सारी मेरे कॉम्बो बॉक्स टाइप का आ गया, ड्रॉप डाउन लिस्ट टाइप की आ गई, तो ये वैलिडेशन का पार्ट हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, अपना एक क्वायरी है कि जैसे मेरे पास एक सेल्स का डाटा है जो मैंने कहीं से पर्चे वर्चे से कहीं से बनाया है, फिर बाद में मैं जब एडिट करने लगा तो मुझे पता लगा कि इसमें पहले वाले में 20 कम रह गया, इसमें 10 और बढ़ाना है, इसमें 15 और बढ़ाना है और इसमें 11 और बढ़ाना है, प्लस माइनस जो भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसके लिए क्या होता है, हम नॉर्मली क्या करते हैं, या तो हम सीधा इसमें मेरे को एक, शायद पता है, इसमें एक वो ऑल्ट स्पेशल में, एक पेज स्पेशल में एक और ऑप्शन होता है ना कि ऐड कर दो, जैसे मेरे ख्याल से। हाँ जी ऐड का ऑप्शन होता है आपका, चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है इसको कॉपी, और इधर आके आपने क्या करना है, ये ऑपरेशन में ऐड करना है, ठीक है जी। तो ये आपका ऐड हो जाएगा, ऐड की तरह ही। अच्छा बताइए रिप्लेस के लिए क्या करना है। अब मान लीजिए कि आई थिंक स्किप मैंने, ब्लैंक सर्वर होता है कुछ ऐसे। हाँ करेक्ट है, स्किप ब्लैंक्स जो हम करते हैं, स्किप ब्लैंक्स में क्या होता है कि यहाँ जो ब्लैंक सेल है वो यहाँ नहीं जाएंगे तो रिप्लेस हो जाएगी वैल्यूज जो है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, जैसे अब हमारे पास मान लीजिए सेल्स का डाटा है कुछ, फिर हमने उसमें टारगेट निकाल दिया और हमें निकालना है अचीवमेंट परसेंटेज, ठीक है जी। तो अचीवमेंट परसेंटेज में क्या होता है कि मतलब हमें डिवाइड वाइड करके लाना पड़ता है, पर हमारे पास एक शॉर्ट मेथड क्या है कि इसको यहाँ से कॉपी कीजिए, इस डेटा को, टारगेट को यहाँ से कॉपी किया मैंने और यहाँ पेस्ट किया, पेस्ट स्पेशल में गया, अभी पेस्ट नहीं, देन डिवाइड कर दिया, डिवाइड और यहाँ पे आगे परसेंटेज कर दिया, ठीक है जी। तो एक साथ अचीवमेंट परसेंटेज आ गई मेरी, ठीक है जी। मोस्टली कैसे करते हैं इसको, इधर लाया मैं, यहाँ से कॉपी किया। हाँ इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है आपका, आप बस डिवाइड कीजिए यहाँ से और ये सबको 200 से, लेकिन ये ज्यादा इनकन्वीनियंट नहीं होगा, क्योंकि आपने फिर कोई वैल्यू चेंज करो करी तो एडजस्ट नहीं होगा। हाँ बिल्कुल उस केस में नहीं होता, पर उसके लिए भी मेरे पास सोल्यूशन है, ठीक है जी। जब जब आपकी वैल्यू चेंज होती है तो बेसिकली आप वर्क कर रहे होते हैं किसी फॉर्मूला पे, उसको मैं आगे बताता हूँ आपको। तो मैं ये दिखा रहा था कि टारगेट जो है आपका एक, मैंने खाली यहाँ से एक कॉपी किया और पेस्ट स्पेशल में पूरा सिलेक्ट करके इसको डिवाइड कर दिया, सारा 200 से हो गया। इसी तरह से अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारा सेल्स का जो है टारगेट भी अलग अलग ही होता है, तो अगर आपके पास ज्यादा टारगेट्स हैं, अब इनको डिवाइड करना है तो आप उसको पूरे को इकट्ठे सिलेक्ट कर लीजिए और उसके सामने सामने वाली सेल्स में, मतलब जितना हमारे टारगेट्स हैं उतनी सेल्स हमारी अचीवमेंट वगैरह की होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी सेम करेंगे तो ये क्या करेगा, अपने सामने सामने वाली सेल से डिवाइड करेगा, देन परसेंटेज कन्वर्ट, ठीक है जी। इसी तरह से 3 दिन की सेल्स हो गई, तो 3 दिन की सेल्स जो आपकी कॉपी करके मैंने यहाँ डाल दी, और मैं चाहता हूँ कि हर एक टारगेट अपने वाले से ही खाली डिवाइड करे, तो उसके लिए यहाँ से कॉपी करके इधर आया मैं और डिवाइड करके वही चीज सेम, तो ये ऐसे भी वर्क करता है, ठीक है जी। ये तो एक सेल्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया। दूसरी इसका फाइनेंस में कई बार यूज करते हैं हम, क्या यूज करते हैं, वैल्यू इन करोड़ निकालनी पड़ती है कई बार हमें, ठीक है जी। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास करोड़ करोड़ में वैल्यू है, और मुझे निकालनी है वैल्यू इन करोड़ का डेटा फिगर्स में। उसमें क्या होता है कि एक रीजन का हमने ऐसे दे दिया, फिर यहाँ टोटल कर दिया, अब टोटल में लग गया फॉर्मूला, ठीक है जी, या कोई ऐसी चीज जहाँ फॉर्मूला है। तो शुरुआत में मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इनमें कैसे करना है, इसमें आप नॉर्मल से कॉपी करके डायरेक्ट डिवाइड कर दे उनको 1 करोड़ से, तो वैल्यू इन करोड़ कन्वर्ट हो गई, ठीक है जी। अब इसमें वापस आते हैं, अब इसमें क्या है कि मैंने क्या लगाया, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा दिया था इसमें साथ में, यहाँ मैंने फॉर्मूला लगा दिया, 210 भी इंक्लूडेड हो गया, इसको डाउन कर लेता हूँ मैं। अब मैं इसको ड्रैग करता हूं तो आपको पता है कि यहां पे मैंने सम का फॉर्मूला लगाया है,
अब सम के फॉर्मूले में क्या होता है, या कोई भी फॉर्मूले में, अब मुझे सेम चीज करनी है, फॉर्मूले में को मुझे 1 करोड़ से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों आ रहा है, मैं 2 हटा दूं इसमें से, तो मैं क्या कर सकता हूं यहां से कॉपी करके, अभी ये आप देखेंगे कि सिंपल फॉर्म सम का फॉर्मूला है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं पूरे को, और जब डिवाइड का वो करता हूं तो मेरा वो नहीं चेंज होता, फॉर्मूला नहीं चेंज होता, मतलब वैल्यू में नहीं कन्वर्ट करता, ये डिवाइड फॉर्मूले के अंदर कर देता है, ठीक है जी। ओके, तो जहां इस तरह की वैल्यू, मतलब लेकिन आप इससे से किस केस में यूज करेंगे ओवर फॉर्मूला डालने में, क्योंकि मैं तो यूजुअली अगर करती है तो मैं फॉर्मूला ही डाल देती हूँ और बस कॉपी पेस्ट कर देती, मतलब फिल कर देती एंड तक, मैं ये, तो ये किसी और वे में यूजफुल है क्या? इसकी आपको मैक्सिमम कैपेबिलिटी बता रहा हूँ कि कितना जा सकता है इसके थ्रू अभी, क्योंकि हमारा डिस्कशन टॉपिक है पेस्ट स्पेशल, तो मैक्सिमम इससे क्या हो सकता है मैं वो बता रहा हूँ आपको, हालांकि इसके इसके तो बहुत सारे तरीके हैं, बट क्या मैक्सिमम हो सकता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें, ठीक है जी। हाँ, नहीं मैं समझ गई, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि कोई स्पेसिफिक केस है जिसमें ये आप यूज करना प्रेफर करते हैं वर्सेस फॉर्मूला डालने में, हाँ मैं कोई ऐसा? इसी केस में ही करता हूँ जब मुझे वैल्यू फाइनेंशियल डाटा इस तरह का बनाना होता है, अभी तक तो फिलहाल अच्छा जब मैंने कंपनी में काम किया था तो मैं यही चीज यूज करता था, क्योंकि अच्छा ओके क्योंकि ये डाटा इतना सही नहीं होता जब मैं दिखा रहा होता हूँ, तो ये कई कई शीट्स का होता है, तो उस समय लोग भी फंस जाते हैं कि यार फॉर्मूले में कैसे चेंज करना है, ठीक है जी। तो वहां पे अगर मेरे अच्छा पास सेम सिचुएशन है तो मेरा मतलब चुटकियों का काम है ये चीज करना, ठीक है जी, और उसी इनकम कंपैरिजन में किसी और को देखें तो बहुत टाइम लगाएंगे इसी चीज को करने में, ठीक है जी। अब बात करते हैं लिंकिंग की, अब हम लिंकिंग करते हैं, लिंकिंग के लिए क्या करते हैं, लिंक जब क्रिएट करते हैं तो इक्वल टू लगा के एक रेफरेंस सिलेक्ट करते हैं और उसको ड्रैग करते हैं, जब छोटा छोटा डेटा हो तो मुझे पता है कि कितना ड्रैग करना है कितना नहीं करना, क्योंकि बाकी जगह ये जीरो जीरो दिखाता है, ठीक है जी। बाकी मुझे इसमें फॉर्मेट वगैरह चाहिए वो मैं कर सकता हूँ, बट शुरुआत में हम लोग लिंकिंग इस तरीके से करते हैं, तो एग्जैक्ट लिंकिंग हम चाहते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप ना करना पड़े, तो आप इसमें से सिंपल कितना भी डेटा या उसका पोर्शन कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में आके पेस्ट लिंक है आपके पास, ठीक है जी। तो पेस्ट लिंक आपका लिंक पेस्ट कर देगा, ये लिंकिंग में ही कर देगा, देन मैं इस पे फॉर्मेट्स कॉपी कर देता हूँ तो मेरा टाइम नहीं वेस्ट होता, कॉलम विड्थ कॉपी कर देता हूँ तो मेरा काम फटाफट हो जाता है, ठीक है जी। पर ये थी लिंकिंग थोड़ी पुराने जमाने की लिंकिंग, आजकल ये सब कम यूज करते हैं क्योंकि आजकल जमाना है डैशबोर्ड्स का, ठीक है जी। अब डैशबोर्ड्स में क्या होता है कि आपको जितनी स्क्रीन दिख रही है इतनी स्क्रीन के ऊपर पूरी कंपनी का डाटा दिखाना है, छोटा 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 करके चार्ट्स में और डाटा में, ठीक है जी। और आप जानते हैं एक्सेल में फॉर्मेटिंग करना जो है, कोई फॉर्म बनाना अपने आप में मतलब पागल कर देने वाला होता है कि हम चार्ट्स यहाँ सेट करें और ये छोटे बड़े तो होते नहीं, ठीक है जी। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं पिक्चर्स को, ठीक है जी। इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट स्पेशल में गया, एज पिक्चर में आया, इधर पेस्ट से एज पिक्चर में आया, पेस्ट एज पिक्चर कर दिया, तो अब ये मेरे पास एक पिक्चर बन गई है। तो पिक्चर का साइज तो छोटा बड़ा हो सकता है, तो एक्सेल में सेटिंग कर सकते हैं, पर आप कहेंगे कि अगर मैं इसका व्यू ऑफ कर दूं तो ये नहीं पता पड़ेगा कि ये पिक्चर है कि क्या है, बट आप कहेंगे कि इसका लिंकिंग से तो कोई लिंक ही नहीं है, है ना, क्योंकि डैशबोर्ड की मैं बात कर रहा हूं तो मुझे लिंक चाहिए, पिक्चर का क्या करूंगा मैं। तो एक इसमें फैंटास्टिक फीचर आया है कि आप कॉपी कीजिए वापस उसी में चले जाइए और ये पिक्चर के ऑप्शन में सबसे लास्ट है पेस्ट पिक्चर लिंक, ठीक है जी। अब ये भी पिक्चर है, ये छोटी बड़ी हो सकती है, बट इसमें चीज क्या है कि आप कोई भी डेटा बदले आपको चेंज दिखाई देगा, अरे वाह, ये अच्छा ऑप्शन है। इनफैक्ट आप कलर भी बदले तो इसका कलर भी चेंज होगा, और ये किसी लिंकिंग फीचर में नहीं है। और अगर मैं इसे एक्सेल से हटाकर ये किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में डालूं, वो फिर डाल क्या होता है? डाल सकते हैं, उसका तरीका अलग है, उसका जब हम डैशबोर्ड डिस्कस करेंगे तो उस चीज में आपको बताएंगे हम ये,
कैसा है, क्योंकि फॉर नाउ जो ये आपने मुझे ऑप्शन दिया है, ये एक्सेल फाइल से उसी एक्सेल फाइल में पेस्ट करने में चलेगा? करेक्ट, उसी में ही चलेगा और बाहर नहीं चलेगा। उसी फाइल में, हाँ किसी जी और हाँ जी। शीट में करूं तो चलेगा? पता नहीं, कर देते हैं हम भी, आप कह रही हैं तो देख लेते हैं, चेंज होता है नहीं होता, हो भी सकता है, वैसे तो होना चाहिए क्योंकि हम वी लुकअप में तो यूज करते हैं इसका। हाँ हो तो रहा है, हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। एक सेकेंड देख लेते हैं। हाँ, शीट वन, और कहाँ गया हमारा ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, अब हो रहा है। तो थोड़े से चेंजेस खुद से भी करने पड़ते लेकिन हैं। आपने थोड़ा मैन्युअली करा। हाँ हाँ, ये मतलब इन सब चीजों का मतलब यही है कि आपको इनका ओरिजिन पता होना चाहिए, ठीक है जी। और वही कहते हैं ना, आधी नॉलेज जो है खतरनाक होती है, तो ये चीजें वैसी हाँ होती हैं कुछ, तो इनका बेस पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है असल में, ठीक है जी। तो आप कुछ भी करें तो ये हो सकता है, और मेरे ख्याल से अगर मैं ये भी लाया हूँ तो अलग वर्कशीट में भी जा सकता है ये, उसमें मुझे शीट का नाम और वो वर्कशीट का नाम और देना पड़ेगा पूरा, ठीक है जी। चलिए कोई बात नहीं, मुझे ऐसे ठीक स्टूडेंट पसंद हैं जो मुझे नई चीज करने को बोलते हैं, ठीक ठीक है। है। और तो ये था हमारा, जितना भी हमने अभी तक देखा वो था पेस्ट स्पेशल के बारे में, ठीक है जी। अब इसके बाद आते हैं अपना कस्टमाइजेशन एंड शॉर्टकट्स पे, ठीक है। ठीक है। कस्टमाइजेशन, पहले आपको शॉर्टकट्स के बारे में बताता हूँ। देखिए, शॉर्टकट्स जो हम जानते हैं नॉर्मली, कैसे जानते हैं कि एक तरीका तो यह है कि आप इस पे लेके जाइए किसी भी ऑप्शन पे तो स्क्रीन टिप में आते हैं, ठीक है जी। एक तरीका ये है जानने का, कुछ के आपको यहीं मिल जाएंगे पर कुछ के आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जिनके सॉफ्टवेयर को वो शॉर्टकट्स नहीं है उनको कैसे करना है, आप अपने कीबोर्ड से जब ऑल्ट की दबाएंगी, सपोज मुझे क्या करना तो है, ऊपर आ जाता है ऐसा। हाँ, तो ये आपके सामने ऊपर कीवर्ड्स आ जाते हैं, इसमें आपको आल्ट जो है दबा के छोड़ना है, दबाए नहीं रखना है, दबा के छोड़ना है, ठीक है जी। ऊपर कीवर्ड्स आ गए, अब मुझे होम टैब में बॉर्डर में से ऑल बॉर्डर यूज करना है, तो होम के लिए मेरा आ गया एच, एच मैंने दबा के छोड़ दिया, बाकी ऑप्शन खुल गए मेरे। बॉर्डर्स के लिए आया बी, बी दबाया मैंने, ठीक है, बी के ऑप्शन खुल गए बॉर्डर के। ऑल बॉर्डर्स के लिए क्या है, ए, ए दबा दिया, ठीक है जी। तो मेरा जो शॉर्टकट इसके लिए क्या बना, ऑल्ट एच बी ए, ठीक है जी। अब मर्ज इन सेंटर की बात करें तो इसी तरह से उसमें करते हैं, ऑल्ट एच, मर्ज इन सेंटर के लिए क्या आ रहा है एम, और सेंटर मर्ज इन सेंटर सी, तो ऑल्ट एच एम सी, अनमर्ज करने के लिए ऑल्ट एच एम यू, अनमर्ज हो गया ऑल बॉर्डर। तो जो शॉर्टकट्स की प्रोफिशिएंसी बढ़ाने का ये तरीका सबसे बेस्ट है कि आप जब भी आपको ऑफिस में काम करना है, थोड़ा हल्का काम करना है, क्योंकि प्रेशर में ऑब्वियसली हम ऐसे चीजों के लिए नहीं जाते, तो हल्का काम करना है तो आप माउस को थोड़ा सा साइड में रखिए और कीबोर्ड से ट्राई कीजिए, कुछ दिन में आपकी शॉर्टकट्स जो हैं बहुत पक्के हो जाएंगे, बहुत मतलब गोली की तरह चलेंगे, ठीक है जी। देन इसके बाद होता है हमारे पास, ये तो था कि हमने रिबन कैसे एक्सेस करना है, आप फाइल बटन भी इससे एक्सेस कर सकती हैं, एफ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है जी, यहाँ से खोल सकते हैं, हर एक का कीवर्ड दिख जाएगा। दूसरा है डायलॉग बॉक्स को करना, सबसे फेमस डायलॉग बॉक्स कौन सा है हमारा, नंबर फॉर्मेटिंग का जो होता है, ठीक है जी, इसका वैसे शॉर्टकट है बिल्कुल। कंट्रोल वन, ठीक है जी। अब कंट्रोल वन से ये खुल गया, अब इसको नेविगेट कैसे करना है, देखिए यहाँ टैब्स में जब आपको नेविगेट करना है तो आपको कंट्रोल दबा के रखना है, देन टैब बारी बारी प्रेस करेंगी तो आगे पीछे जाएगा ये, ठीक है। शिफ्ट दबा के टैब बारी बारी प्रेस, कंट्रोल और टैब। हाँ कंट्रोल दबा के रखना है और टैब को बार बार प्रेस करना है, ठीक है जी। एक बार प्रेस करेंगे एक दूसरे पर, सेकेंड। ओके मैं एक सेकेंड इसका नोट ले लेती हूँ। ओके ठीक है। देन आपको अगर इसमें रिवर्स में आना है तो क्या करना है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी प्रेस कर देना है, तो आप रिवर्स में आने लगेंगे, ठीक है जी। अच्छा, बैक जाने के लिए, मतलब हाँ पिछले वाले टैब पे जाने के लिए। ओके हाँ जी। अब बात आती है कि अब इसके किसी भी टैब के अंदर के ऑप्शंस, ठीक है जी। अब इनको एक्सेस करने के लिए आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे हर एक ऑप्शन के नीचे एक अंडरलाइंड कैरेक्टर है,
यहाँ ओरिजेंटल में एच के नीचे अंडरलाइन है, श्रिंक टू फिट में के नीचे अंडरलाइन है। तो ये अंडरलाइन कैरेक्टर को कैसे एक्सेस करने, वहां हमने क्या किया था, ऑल्ट दबा के छोड़ दिया था, यहां हमने क्या करना है, ऑल्ट दबा के रखना है, तब हम इन कैरेक्टर्स को यूज कर सकते हैं। ऑल्ट दबा के रखते हुए के दबाया मैंने, ठीक है जी। हॉरिजेंटल में जाना है, ऑल्ट दबा के रखते हुए एच दबाया, अब इसमें आ गया। अब मैं इसको एरो की से कर सकता हूं, ठीक है जी, या जस्टिफाई करना है तो ये सीधा जे इनका फर्स्ट लेटर दबा सकता हूं, डायरेक्ट जाता है, ठीक है जी। एंटर करके ये सिलेक्ट हो गया मेरा। अब देखिए कि यहाँ पे ऑल्ट पे जो है मेरा ग्रीन एरिया है, ग्रीन एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इस ग्रीन एरिया का मतलब होता है कि आपकी ये की जो है एंटर पे एक्टिवेटेड है, ठीक है जी। ओके तो जब आप एंटर दबाएंगे तो वो बटन प्रेस हो जाएगा, ठीक है। अगर आप उसमें कोई भी सेव नहीं करना चाहती तो एस्केप करके बाहर आ सकती हैं, जिसका मतलब होता है कैंसिल, ठीक है जी। एस्केप का बटन दबाएंगी बाहर आ जाए कैंसिल के मोड में, ठीक है जी। तो डायलॉग एक बॉक्स, सेकेंड, ये लास्ट का पार्ट एक बार और दिखाना प्लीज, हाँ जी, जो आपने ग्रीन एरिया दिखाया था वो एक बार मेरे को बता दीजिए फिर से। ये रहा ग्रीन एरिया, ये आपको दिखेगा। हाइलाइटेड बटन कोई भी दिखे आपको, ओके हाइलाइटेड बटन दिखते हैं मोस्टली हाँ ये, तो ये एंटर पे एक्टिवेट होता ओके है, ओके 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 ठीक है जी। इसी तरह से जैसे ओके प्रिंट प्रीव्यू में जाना है आपने, तो हम क्या शॉर्टकट है हमारे पास इसमें, ऑल्ट एफ डब्ल्यू वी, ऑल्ट एफ डब्ल्यू आ रहा है यहाँ पे, खैर अब चला गया, ऑल्ट एफ डब्ल्यू और प्रिंट प्रीव्यू के लिए वी इधर आ गया। इसमें हमने यूज करना है पेज सेटअप, तो ऑल्ट एस भी है। कुछ पुराने शॉर्टकट भी चलते हैं जो 2003 में चलते थे वो भी चलते हैं, और नए वाले हैं तो ऑल्ट की के जरिए, किसी भी एक के दो तीन शॉर्टकट भी हो सकते हैं। ऑल्ट पी एस पी इसी के लिए, कंट्रोल टैब से आगे पीछे गया मैंने, मैंने लैंडस्केप सेट किया, फिट टू वन सेट किया, ओके कर दिया, एस्केप करके बाहर आ गया, ठीक है जी। ऑल्ट वीपी से मैं पेज ब्रेक प्रीव्यू में गया, ऑल्ट वीएन से मैं बाहर आ गया। तो मतलब एक स्पीड जो है ना वो आपकी देखने लायक बन जाती है। किसी के सामने भी आप कीबोर्ड खोल के बैठेंगे जब माउस साइड में रख के और काम शुरू किया, तो पहचान जाएगा कि आपको कुछ आए ना आए, मतलब उसके दिमाग में अपने आप इंटरप्रेशन चला जाएगा कि हाँ भाई आता है, ठीक है जी। अब इससे ज्यादा शॉर्टकट्स जानने के लिए क्या करें, अब देखिए बहुत सारे ये चीज हम जानते हैं पर यूज नहीं करते, क्योंकि क्या होता है कि इस फॉन्ट का, सॉरी वो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट क्या है? फॉन्ट का तो आप यहीं से खोल, इसका तो ये नंबर से ही है मेरे ख्याल से, कंट्रोल वन और ये एक ही से खुल जाता है, कंट्रोल वन से ही सारा खुलता है ओके इसमें। नंबर अलाइनमेंट बॉर्डर फिल और प्रोटेक्शन सारे ही हैं, ठीक है जी। और इसके बाद अब देखते हैं कि और शॉर्टकट्स कैसे जानने हैं हमने, जैसे शीट इंसर्ट करने के लिए क्या है, शिफ्ट एफ इलेवन, ठीक है जी। अब ये बाकी शॉर्टकट्स मुझे कहां से पता पड़ते हैं, एक्सेल खुद बताता है हमें कि आपको शॉर्टकट कहां से लेने। तो एक सबसे बड़ा शॉर्टकट याद रखिए एफ वन की, फंक्शन वन की जो है उसको याद रखिए, उसमें क्या होता है कि काफी सारी चीजें हमें मिल जाती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें शॉर्टकट डालेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका एक्सेल शॉर्टकट एंड फंक्शन की आ जाता है, ठीक है जी। इसको क्लिक करेंगे तो ये आपकी पूरी शॉर्टकट की लिस्ट है कि कंट्रोल की के साथ कौन कौन से शॉर्टकट्स हैं सारे, फंक्शन की से क्या क्या शॉर्टकट्स हैं, देन एरो की से क्या क्या होता है आपका बैक स्पेस एंटर, और किस किस जगह यूज किए होते हैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ या वैसे, तो वो सारी लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाती है। बाकी बचे हुए सवालों का इसी में ही जवाब आपको मिल जाता है, ठीक है जी। तो उसको करने के साथ एक बार टाइम मिले तो इसको भी आप जरूर पढ़ें, ठीक है जी। तो अब एक्सेल के शॉर्टकट्स तो जान गए, बट एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं। जब हमने कंप्यूटर सीखा था उस टाइम सीखा था कि एक्सपी वगैरह थे या 98 थे, तो उसके शॉर्टकट के हिसाब से हम जानते थे। एक्सेल में भी वही चीज हो रही है कि हम नए शॉर्टकट नहीं जानते, पुराने वालों पे चल रहे हैं, ठीक है जी। इसी तरह विंडो के भी शॉर्टकट होते हैं। अब जैसे विंडो में शो डेस्कटॉप का जो बटन है वो बहुत कम लोगों को पता है कि कहाँ है,
आपको पता है इसमें शो डॉट डेस्कटॉप का बटन कहाँ पे है? मैं तो विंडोज डी यूज करती हूँ, हाँ वो शॉर्टकट आ गया ना, पर मेन ऑप्शन भूल गए। मेन ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे को, सिर्फ सिर्फ विंडोज डी यूज करती हूँ मैं। अब देखिए इसमें जो होता है ना, ये शो डेस्कटॉप का ऑप्शन यहाँ होता है, ये टाइम के बगल में जो आपको की दिख रही है ना छोटी सी, ये है, ओके ये यहाँ पे मैं ओ क्लिक किया हाँ तो ये शो डेस्कटॉप है। हाँ ठीक है जी, मुझे भी नहीं पता था, मेरे को ओके तो वैसे ही पता पड़ गया। F1 आप दबाइए इसमें स्क्रीन पे आके, और इसके भी हाँ शॉर्टकट्स आ गया मेरा। इसके भी शॉर्टकट्स आप निकाल दीजिए, विंडो के भी शॉर्टकट आप निकाल लें। शॉर्टकट, अच्छा स्पेलिंग ही गलत लिखी है, शॉर्टकट। ठीक है जी, तो कीबोर्ड शॉर्टकट इसके भी ढूंढ लीजिए, इसके भी बहुत सारे हैं। और इसमें आप जो विंडो लोगों की यूज करती हैं उसके देखिए कितने सारे इंट्रोड्यूस हुए हैं, पूरी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है आपकी विंडो के इसके बटन से। तो एक बार इनको भी देख लें, जैसे एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि जैसे अब मुझे एक्सेल का ये खोलना है, शो डेस्कटॉप तो मुझे पता है, अब या तो मैं इसमें से जाऊंगा विंडो दबा के टैब दबाऊंगा तो ये ऑप्शन आता है, अदरवाइज मैं क्या करता हूँ ऑल टैब करता हूँ। ठीक है जी, पर मुझे डायरेक्ट एक्सेल में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो एक तरीका है कि यहाँ से ना आप गिन लीजिए कि कितने नंबर पे एक्सेल है। जैसे एक नंबर पे क्रोम है, दो नंबर पे फाइल फोल्डर वाला जो बटन है, तीन नंबर पे ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो विंडो के बटन के साथ तीन। ठीक है जी, क्रोम पे जाना है विंडो के बटन के साथ वन, ठीक है जी ओके थ्री, ठीक है जी। तो इस तरह से ये नए शॉर्टकट्स आए हैं, इनको एक बार रिवीजन कर लें, बेनिफिट ही होगा आप। ठीक है जी, अब आते हैं अपना शॉर्टकट्स के बाद। शॉर्टकट से बाकी सबसे पहले एक चीज हमें और जाननी चाहिए, दोबारा F1 दबाएं और इसमें एक टाइप कर दें लिमिट्स। लिमिट्स एक्सेल स्पेसिफिकेशन है लिमिट्स। अब ये चीज होती है कई बार आपको इंटरव्यू में काम आ जाती है, कैसे कि कई बार क्या होता है कि आपको एक्सेल के धुरंधर आदमी मिलते हैं, पर कई बार ऐसे बंदे भी बैठे होते हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता, तो उनको तो बस एक इशारा चाहिए कि हाँ भैया अब ये बताओ कि एक्सेल में कॉलम कितने होते हैं या रो कितनी होती है, तो उनका एक सवाल है, जवाब दे दिया आपने तो आप पास है, नहीं तो फेल है। ठीक है जी, तो ऐसे इन सब चीजों को जानने के लिए स्पेसिफिकेशन एंड लिमिट्स हैं इसकी, जिसमें इसी तरह की इंफॉर्मेशन हर चीज में आपकी पड़ी है। मैं ये क्यों दिखा रहा हूं अभी आपको, वैसे वर्किंग करेंगी एक्सेल में, एडवांस एक्सेल में पूरे में कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी VBA के अंदर, क्योंकि आप माउस से तो आपको पता है दिखाई दे रहा है कहाँ जाना है, पर आपने कोड लिख दिया तो कोड को नहीं पता है कि आपने जाना कहाँ तक है, तो लिमिट हमें इसकी पता होनी चाहिए। इसको मैं ये कह रहा हूं आपको रट्टा नहीं मारना है इसका, बस इसको दिमाग में रखिए कि ये चीज होती कहाँ है, लिमिट्स नाम की भी कोई चीज एक्सेल में होती है। ठीक है जी, तो ये ठीक आप रेफरेंस की तरह आपने दिमाग में सेव कर लीजिए। देन आते हैं अब एक्सेल के एडवांस ऑप्शन जानने से पहले इसकी सेटिंग्स के बारे में जानते हैं। ठीक है जी, एक्सेल की सेटिंग्स बहुत जरूरी चीज है, अगर नहीं पता हो तो कई बार हमें एक्सेल फॉर्मेट करवानी पड़ती है। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ठीक कई बार हमारा ये छोटा सा ये काला सा जो ऑप्शन है ना ये गायब हो जाता है, ड्रैगिंग ही नहीं आ रही है। वो होता उसमें है कि जैसे इनकम टैक्स वाला जो हमारा RBI का वो इनकम टैक्स का जो एक्सेल में सॉफ्टवेयर बना है उसमें एक ऐसा मैक्रो है जो ये डिसेबल कर जाता है, तो ओ ओके वो इनेबल कर रहा है, कई बार नहीं आता लोगों को, तो इसी तरह की जानकारी इसी के अंदर है, हमारे एक्सेल ऑप्शन से ही सारी सेटिंग चलती है हमारी। ठीक है जी, अब देखिए इसमें हालांकि यूज तो नहीं करती होंगी इसको, अब जब कोई भी टेक्स्ट लिखा आपने यहीं से ही जब सिलेक्ट किया तो एक मिनी टूल बार आती है ये। ठीक है जी, जब नया नया आया था तो खूब देखी थी, उसके बाद नहीं देखा था हमने ये। हाँ नो वेट मैंने कभी नहीं हाँ, तो एक्सेल ऑप्शंस में जाएंगे, पॉपुलर के अंदर ये हमारे पास पहला ऑप्शन है शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन, तो अगर आपका ये ऑफ होगा तो आप टाइप करके कितना भी सिलेक्ट कर लें वो चीज नहीं आएगी। ठीक है जी, तो शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन ये चीज है। अब हाँ, इन ऑप्शंस को तैयार करने से पहले ये ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करने से पहले, कि जो ऑप्शन एक बार छेड़े उसको बाद में वैसा ही करने, क्योंकि अगर आप भूल गई तो बाद में शायद आपको भी ना पता पड़े कि आपने किया क्या था।
ठीक है जी। हाँ अब उसके बाद क्या होता है कि हम जब भी कोई सेल फॉर्मेट करते हैं या ऐसे किसी भी ऑप्शन पे लेके जाते हैं, अभी मैंने सिलेक्ट नहीं किया है पर आपको चेंजेस पूरे दिख रहे हैं, ठीक है, इसको कहते हैं लाइव प्रीव्यू। अब लाइव प्रीव्यू आपका नहीं हो रहा हो तो ये है, ये ऑप्शन है इनेबल लाइव प्रीव्यू, अनचेक होगा तो नहीं चलेगा। दूसरा चीज वीबीए के लिए आप देख रही होंगी, एक डेवलपर टूल बार मेरे पास है, अगर वीबीए यूज करती होंगी तो ये आपके पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है जी। नहीं, मैंने अभी तक तो यूज नहीं किया तो है नहीं मेरे पास। हाँ, तो वीबीए यूज करने के लिए डेवलपर टूल बार आपके पास होना चाहिए। और इसको एक्टिवेट कहाँ से करते हैं, हम एक्सेल ऑप्शन में जाते हैं और अपने पास ये बटन है, आपका अनचेक होगा आप चेक कर सकती हैं, ठीक है जी। कहाँ पे, एक सेकंड, नहीं मैं मिस हो गया। शो डेवलपर टूल बार, ओके ठीक ठीक है जी, है। पॉपुलर के अंदर शो डेवलपर टैब इन रिबन। दूसरा आप कलर स्क्रीन चेंज कर सकती हैं, अभी मेरा जो है सिल्वर दिखा रहा होगा आपको, एक्सेल जो है सिल्वर टाइप ये का। मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है, मैं जनरल में गई उसमें नहीं है शो डेवलपर टूल बार। आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं? मेरे पास विंडोज 8 है तो नहीं, लेटेस्ट चल रहा है, एक्सेल का वर्जन 13 है मेरे ख्याल से, 13 13 है, 13 वाला दिखाते हैं आपको। चल तो 13 में थोड़ा सा चेंज है, 13 और 10 में जो है आप इसके अंदर जाएंगी, फाइल बटन है आपका, ऑफिस बटन नहीं है, फाइल बटन है और ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन है, रहा यहाँ पे आपके पास पॉपुलर की जगह जनरल आ रहा है, बाकी सारी चीजें सेम है। है, हाँ थोड़ा जनरल आ रहा है। सा चेंज है। और उसमें क्या है, मैं आपको इसी पे ही दिखाता हूँ, बाकी उसको छोड़िए, 2007 इस पे ही दिखाते। तो इसके अंदर आप कस्टमाइज रिबन पे जाएंगी और यहाँ पे आपका ओके। डेवलपर टैब है, ठीक है जी, ये रहा, हाँ ओके। ठीक है जी। तो 2013 में कस्टमाइज रिबन के अंदर है, दो एक ऑप्शन ऊपर नीचे हुए हैं इसमें, कौन कौन से, हाँ कौन कौन से हैं वो भी दिखा देता हूँ, कि जैसे आपका एडवांस के अंदर चला गया है एडिट कस्टम लिस्ट वाला, और इसमें जो होता है नॉर्मल एक्सेल में जो होता है वो होता है यहाँ हमारे पास पॉपुलर के अंदर ही, ठीक है जी। तो दो एक ऑप्शन इधर उधर है, बाकी सेम है, इन्होंने थोड़ा सा मैनेज कर दिया, बाकी सारे ऑप्शन सेम है इसके, ठीक है जी। ओके। तो मैं बात कर रहा था कलर स्कीम की, अब कलर स्कीम भी यहाँ पे भी नहीं है कलर स्कीम, इसका भी कलर स्कीम भी मेरे ख्याल से एडवांस में ही है, कि किसमें, यहाँ पे नहीं है, देख लीजिएगा ऊपर नीचे ही होगी, इसमें भी है ऑप्शन सारे ऊपर नीचे हैं। तो बेसिकली मैं अपने उसी पे आ जाता हूँ, कलर स्कीम में आप इसमें ब्लू, जैसे मेरा सिल्वर आ रहा था, मैं इसको ब्लू कर सकता हूँ, ठीक है जी, कलर चेंज हो जाता है इसका। ओके। देन इसके बाद देखेंगे एडिट कस्टम लिस्ट, एडिट कस्टम लिस्ट उसमें आपका एडवांस के अंदर है, स्क्रीन टिप स्टाइल। स्क्रीन टिप स्टाइल में क्या होता है कि जैसे मैं आपको दिखा रहा था ना कि यहाँ पे कि आप वहां से शॉर्टकट का पता लगा सकते हैं जब कीबोर्ड ले गया आपको, तो यहाँ स्क्रीन टिप आ गई, कंट्रोल बी वगैरह, तो इसकी सेटिंग वो है, कई बार नहीं आ रही है तो वो यहीं से आएगी आपकी। ओके। तीन ऑप्शन है, शो फीचर्स डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप, डोंट शो फीचर्स डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप, और डोंट शो स्क्रीन टिप्स, ठीक है जी। तो तीन सेटिंग है इसके, अपने हिसाब से जो चाहिए उसको रख सकते हैं। दूसरा, मैं कभी भी डेटा बनाता हूँ तो मैंने कोई नाम लिखा और ड्रैग कर दिया, इसको मैं ड्रैग करता हूँ, ठीक है जी, अलग नाम आए, कोई सिटी लिखी, ड्रैग कर दिया, इसको कैसे पता कि ये मतलब सिटीज है, तो इस ऑप्शन को कहते हैं कस्टम लिस्ट। जो चीजें हम फ्रीक्वेंट यूज करते रहते हैं ना, लिस्ट कोई भी, उसको उठा के डाल लेते हैं हम कस्टम लिस्ट में। तो एक्सेल ऑप्शन में गए, पॉपुलर के अंदर, ये एडिट कस्टम लिस्ट है, 2013 में एडवांस के अंदर है,
एडिट कस्टम लिस्ट में क्या होता है कि आपकी बाय डिफॉल्ट संडे मंडे जनवरी फरवरी तो आता ही है, इनको आप ड्रैग कर पाती हैं, पर ये जो संदीप हरीश वगैरह जो है पेन ड्राइव यूएसबी माउस, ये मैंने ऐड किए हैं यहाँ से, आप डायरेक्ट टाइप कर सकती हैं। और या आपके पास कुछ नया डेटा है, जैसे मैं कहता हूँ राइस शुगर और वीट और क्या करूँ ओट्स मिल्क, ये नई नई लिस्ट डालनी है, तो मैं क्या करूँगा एक्सेल ऑप्शन में गया, एडिट कस्टम लिस्ट में गया, और यहाँ पे मेरे पास एक फीचर है इम्पोर्ट का, यहाँ सिलेक्ट करूँगा मैं, इसको ऐसे ड्रैग कर लिया, वापस इस पे क्लिक किया, इम्पोर्ट कर दिया, ये लिस्ट मेरी आ गई, ऐड ओके। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन जब मैं टाइप करूँगा तो मैं उसको ड्रैग कर सकता हूँ, तो पूरी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये लिस्ट का आप यूज कर सकते हैं, इसका और भी एक अच्छा यूज है जो मैं आपको सॉर्टिंग फिल्टर में बताऊंगा, मतलब वो इम्पॉसिबल सा काम है जो आपको करवा के देगा ये, आमतौर पे उसके लिए काफी जुगाड़ करने पड़ते हैं। दूसरा, आप देख रही होंगी कि जो मेरी एक्सेल की शीट है, ये पांचवी शीट तो मैंने आपके सामने यूज करी थी, ऐड करी थी, पर चार शीट पहले से थी मेरे पास, और मेरा जो फॉन्ट है वो है एरियल और 12 का, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने डिफॉल्ट फॉन्ट सेट कर रखा है इसके अंदर, ठीक है जी। वो कहां से करना है, एक्सेल ऑप्शन में पॉपुलर के अंदर, यहां से आप जो भी फॉन्ट चूज करेंगी, यहां जो फॉन्ट साइज, मेरे वाले में किस ये किसमें आएगा? आपके वाले में भी उसी में ही होगा मेरे ख्याल से, देख लेते हैं किसमें है हाँ, यूज ना। दिस फॉन्ट जहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक्स यूज दिस फॉन्ट। हाँ, तो व्यू कौन सा रखना है, नॉर्मल व्यू, पेज ब्रेक, प्रीव्यू, पेज लेआउट, वो व्यू चूज कर सकती हैं। शीट कितनी रखनी है वो चूज कर सकती हैं, 255 तक शीट आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बाय डिफॉल्ट चलेगा, इसमें जो भी आप सेटिंग कर रही हैं वो एक्सेल ऑप्शंस में, मतलब आपकी पूरी एप्लीकेशन में चेंजेस होते हैं फिर उसके, वो हर जगह मिलेंगे, ठीक है जी। देन चलते हैं फॉर्मूला पे, ठीक है जी। फॉर्मूला का एक टैब है, कई बार क्या होता है कि मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लिए, कोई फॉर्मूला लगा दिया, अरे चलो, और मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है जी। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, जैसे ही वैल्यू चेंज करूंगा, फॉर्मूला वैल्यू चेंज हो रही है, कई बार क्या है कि नहीं होती है, तो पंगा क्या होता है, ये ऑप्शन वैसे कई बार क्या होता है कि ये जो कैलकुलेशन ऑप्शन है हमारा मैनुअल पे सेट होता है, ठीक है जी। तो मैनुअल में क्या हो जाता है, ये गलती से हो जाता है कई बार, तो जब भी आप चेंज करेंगे वो नहीं लेगा, चेंज नहीं करेगा, क्या करना पड़ेगा, या तो आप इसमें अंदर जाके एंटर कीजिए तब करेगा, अदरवाइज F9 दबाएंगी, F4 या F9 कुछ जगह डालना होता है ना F9 रिफ्रेश करने के दबाएंगी, लिए। F9 दबाएंगी तो कैलकुलेट करेगा, F9 का ऑप्शन जो होता है वो कैलकुलेट के लिए होता है। फॉर्मूला टैब में भी ये ऑप्शन है आपका, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑप्शन, ऑटोमेटिक और मैनुअल जो भी है सिलेक्ट कर सकते हैं। F9 इसके लिए होता है कैलकुलेट नाउ, इसका भी यूज हम इनका यूज क्यों करते हैं, ऑफ करके भी कई बार यूज करते हैं, कई बार क्या होता है कि हम इतनी लंबी लंबी शीटें बना देते हैं जिसमें हजारों लाखों फॉर्मूले लग जाते हैं, अब सारे फॉर्मूले कैलकुलेट करने लगे तो रैम स्लो पड़ जाएगी, एक्सेल हैंग होगा, तो उस केस में जब हमें कभी काम करना पड़ता है ना तो हम कैलकुलेशन ऑप्शन को ना मैनुअल पे सेट कर देते हैं, उन्होंने कहा पहले काम कर लेते हैं, कैलकुलेशन एक ही बार में कर देंगे सारी, ठीक है जी। हाँ, तो इसका हम टाइम सेविंग के लिए इनका यूज कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन ज्यादा हैंग ना हो उसके लिए, ठीक है जी। देन आपने सर्कुलर रेफरेंसेस डील किए होंगे कभी, किए? हाँ, बिल्कुल। तो सर्कुलर रेफरेंसिंग एक्चुअली प्रोग्रामिंग में कहा जाए तो लूप का एक कॉन्सेप्ट है, तो लूपिंग में रिकर्जन कहते हैं वैसे इसे, या अपने आप को ही कॉल करता है बार बार, तो इससे भी कई बार आप करवा सकती हैं काम। जैसे मैंने क्या सेट किया, मैंने यहाँ पे कर दिया 10 प्लस में
नीचे वाली सेल, ठीक है जी, यहाँ तो ठीक ले गया, पर मैंने नीचे वाली सेल में क्या कर दिया कि ऊपर वाला प्लस में 10, अब क्या हो गया, ऊपर वाला जो है वो नीचे पे सर्कुलर. डिपेंडेंट, तो अटक गया, सर्कुलर रेफरेंस आ गया, ठीक है जी। तो सर्कुलर रेफरेंस भी हम एक हद तक यूज कर सकते हैं कि कितनी बार ये अपने आप को कॉल करे, हालांकि इसका यूज आप भी नहीं करने वाली, मैं भी नहीं करता, तो इनेबल इसको करके हम इनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन करके मैंने कहा कि चलो 50 बार चल जाए ये, ठीक है जी। ओके, 50 बार चल रहा है मतलब. मतलब ये फॉर्मूला आपस में 50 बार कॉल कर सकता है। अब देखिए ओके फॉर्मूला देख लीजिए, समझ आ जाएगा आपको ये यहाँ जो रिजल्ट आया, ठीक है जी। उसने अपने आप में 10 जोड़ा, तो ये 10 50 बार जोड़ दिया उसने आपस में, ठीक है जी। ओके तो उस केस में हम इसको यूज करते हैं, हालांकि यूज तो करते नहीं इसको, छोड़िए इसको, पर कभी ऐसे ट्रिकी कैलकुलेशन आ जाए, मतलब बॉस ने आपको समझाई दी, दिमाग में आई गई कि अच्छा इस तरीके से हो सकता है, तो वहां यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। देन उसके बाद आते हैं R1C1 स्टाइल पे, ये देखते हैं क्या चीज है। आप यहाँ पे देख रही होंगी ABC आता है, ABCD जो भी आ रहा है ये कॉलम के लिए ABCD है, ठीक है जी, और 1 2 3 4 जो भी आ रहा है ये रो के लिए है, ठीक है जी। तो हमारा इस सेल का रेफरेंस क्या बनेगा, जैसे ये है तो जो भी हाईलाइटेड हो, ए हाईलाइटेड है और ये 2 हाईलाइटेड है, तो रेफरेंस जो बना A2 बना, ठीक है जी। तो हमें कहीं भी A2 की अगर वैल्यू चाहिए तो हमें इक्वल टू A2 लिखना पड़ेगा, एक रेफरेंस स्टाइल हो गया ये वाला। उसके बाद दूसरा रेफरेंस स्टाइल होता है जिसको मेरे ख्याल से रिलेटिव रेफरेंस भी कहते हैं, R1C1 रेफरेंस स्टाइल, यानी रो 1 कॉलम 1 रेफरेंस स्टाइल। इसमें क्या होगा, जो 1 2 3 आपके यहाँ आ रहे हैं आपके इधर भी आ रहे हैं, ठीक है जी। तो 1 1 तो दिखाने से रहा, ये क्या दिखाएगा, रो 9 कॉलम 4। ये आपको VBA में जरूरत पड़ेगी इसकी, मैं समझा दे रहा हूँ कि ये रेफरेंस स्टाइल होता क्या है, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, मैं कहीं भी हूँ मैंने इक्वल टू लगाया, मैं जब ऊपर मूव किया तो इसने मुझे बताया R-1 C कुछ नहीं, तो जहां कुछ नहीं वहां 0, ठीक है जी। रो माइनस 1 कॉलम 0, माइनस 1 मतलब मैं ऊपर में चल रहा हूँ, ठीक है, -3 -4, ठीक है जी। बेस सेल अपने आप को क्या मानता है, रो 0 कॉलम 0, ये अपने आप को मानता है, ऊपर जाएगा तो माइनस में बढ़ाएगा, इसी तरह कॉलम में जब आगे जाएंगे तो प्लस में बढ़ाएगा, कॉलम में माइनस में जाएंगे तो माइनस में देगा, रो में प्लस में जाएंगे प्लस में। तो ये रेफरेंस स्टाइल है इसका, ठीक है जी, ये भी VBA में आपको यूज होगा ऑफसेट फंक्शन के साथ। ओके ठीक है, ठीक है जी। तो इसमें बेसिकली इसमें था कि मोड कैसे स्विच करना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने देखा होगा कि कई बार हमें चेक नंबर्स मान लीजिए डाल रहे हैं, या किसी भी न्यूमेरिक कल जिसके आगे 0 लिखना है, तो क्या यूज करते हैं हम, कोटेशन मार्क डाल के इस तरह से 0 दे देते हैं, ठीक है जी। तो इसमें क्या आया, इसने 0 दे दिए बट एक ग्रीन एरर दिखा रहा है आपको। ग्रीन एरर एक्चुअली में एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए, इंफॉर्मेशन क्या है, क्या कह रहा है, नंबर स्टोर्ड एज ए टेक्स्ट, अब पूछ रहा कन्वर्ट टू नंबर। तो बेसिकली ये जो है इस बारे में है कि आपका ये कलर कौन सा होना चाहिए, कुछ रूल इसमें सेट है जो इसकी नजर में एरर है, अब वो एरर क्या होनी चाहिए आप यहां से डिसाइड कर सकती हैं फॉर्मूला के अंदर से, यहां से कि करनी भी है बैकग्राउंड में एरर चेकिंग करनी भी है कि नहीं, और उसका कलर क्या होना चाहिए वो यहां से चूज कर सकती हैं। दूसरा रूल्स, रूल्स यहां से नंबर्स फॉर्मेटेड एज टेक्स्ट और प्रीसीडेड बाय एन एपोस्ट्रोफ, तो ये हमने किया था तो इस फॉर्मूला के अंतर्गत उसने एरर दिखाई थी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की एरर ही ना दिखाएं तो इसको चेक कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं, तो ये एरर आपको नहीं दिखाएगा इसमें, ठीक है जी। एक सेकेंड, जो आपने कोटेशन मार्क डाला था आगे, हाँ वो कन्वर्ट टू टेक्स्ट के लिए था, क्योंकि मैं जनरली सिर्फ फॉर्मेट कन्वर्ट कर देती हूँ डायरेक्टली। हाँ बेसिकली वो कन्वर्ट टू टेक्स्ट के लिए ही होता है। हाँ
टेक्स्ट के लिए ही होता है। एक और चीज है नंबर फॉर्मेटिंग में, तो आपको पता ही है कि अगर आपने मेरे ख्याल से अगर वीडियो देख ली होगी तो उसके अंदर होगा कि यहाँ से अगर आप टेक्स्ट में भी बदल लें तो आपको अपोस्ट्रोफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ एग्जैक्टली मैं जनरली वो करती हूँ, तभी मैं पूछी थी वो अपोस्ट्रोफ वो उसी के लिए ना कि वो कन्वर्ट हो जाता है टेक्स्ट में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसी के लिए ही है। ठीक है जी। हालांकि वो जो आपने जो देखी होगी ना 5-7 घंटे की, मेरे ख्याल से वो इंटरव्यू स्पेशल सीडी थी या जो भी था। हाँ मेरे ख्याल से हाँ हाँ उसमें पूरी चीजें नहीं है एक्चुअली, उसमें बहुत थोड़ा ओके उसमें बहुत थोड़ा थोड़ा चीजें हैं उनकी, हल्का हल्का बताया गया है। तो डिटेल्ड ओके क्लास में उसमें अंदर भी आप जाएंगे। ठीक है जी। ओके ठीक है। देन उसके बाद देखते हैं अपना फॉर्मूला ही देख रहे थे, ये हमने बैकग्राउंड कर लिया। प्रूफिंग पे आ जाते हैं। प्रूफिंग ऑप्शंस एक्सेल में क्या होता है, एरर चेकिंग का एक ऑप्शन होता है, हालांकि बहुत लोग यूज नहीं करते हैं, पर एक मैंने क्या किया यहाँ पे, एक स्पेलिंग गलत कर दी और एक स्पेलिंग में कैपिटल लेटर्स में गलत कर रहा हूँ। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, F7 दबाता हूँ एरर चेकिंग के लिए। तो ये मुझे क्या दिखा रहा है, मुझे एरर में दिखा रहा है कि आपका जो गलत है ये वाला सेल है, इसमें दिखा रहा है, इग्नोर कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे बड़े वाले को भी गलत दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, आप अपने में करेंगी तो नहीं दिखाएगा। कैपिटल केस में ये वैल्यूज को इग्नोर कर देता है मोस्टली, डिफॉल्ट सेटिंग जो है अब मेरी यहाँ से चेंज हो रखी है, इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस, ये चेक होता है सब में। तो क्या करता है, ये इसको फाइंड नहीं करता है। ठीक है जी। तो अपर केस का में अगर आप करना चाहें तो उसे अनचेक कर दें। ठीक है जी। प्रूफिंग में दूसरी दिक्कत क्या आती है कि कई बार हम ना जैसे ब्रैकेट के अंदर मान लीजिए ABC कर रहे हैं तो C कर दिया मैंने, ये बदल गया कॉपीराइट में, R कर दिया ये बदल गया रजिस्टर्ड में। ठीक है जी। हाँ मैंने SS डाला, इसके लिए क्या होता है? SS डाला ये बदल गया नाम में। तो ये मतलब देखा जाए तो एक एरर सी होती है, एक हमारे फेवर का ऑप्शन होता है पर कई बार दिक्कत करता है। ठीक है जी। ये ऑप्शन होता क्या है, ये प्रूफिंग में जाएंगी और यहाँ पे ऑटो करेक्ट ऑप्शन है। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, पहला जो है ऑटो करेक्ट का ऑप्शन, रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप। अब ये अगर आपको चाहती है कि शुरुआत में एकदम से चेंज ना कर दे हर चीज को तो इसको ऑफ कर दीजिए यहां से। ठीक है जी। ओके करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए आप इसको रोक सकती हैं, मतलब फिर बाद में वैसा कर लें, डिफॉल्ट सेटिंग में छेड़खानी अच्छी बात नहीं। ठीक है जी। तो आप जो भी चाहें वो ऑन टाइम पे लिख सकती हैं। दूसरा मैंने पॉजिटिव वे में कैसे इसको यूज किया है कि जैसे मेरा नाम डालना है मुझे कहीं भी, तो मैंने SS डाला। हाँ खैर आप वो ऑप्शन भी हो गया। तो मैंने क्या किया था, उसकी डिक्शनरी में वो डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी थी कि जब भी मैं SS डालूं तो वो किससे रिप्लेस हो जाए, इससे। आपके नाम हाँ यहाँ ऐड का ऑप्शन आ जाता है। अब जैसे मैं एक नाम डालता हूं, मैं डालूंगा VK और ये होना चाहिए विकास कौशल, इससे होना चाहिए। तो ऐड कर दूंगा इसको, ओके कर दूंगा। ओके ओके अच्छा इसमें कोई ऐसा हो सकता है कि सिर्फ कुछ ऑप्शंस हट जाएं, जैसे ऑब्वियसली मैं नहीं चाहती कि रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप सब चीजों के लिए हट जाए जैसे, लेकिन फॉर एग्जांपल ब्रैकेट में सी डाला वो कॉपीराइट सिर्फ ये वाला हट जाए, सिर्फ ये वाला, इसका तो कोई आप ऑप्शन है? डिलीट कर दीजिए उसको नीचे। आप ऐड का ऑप्शन है तो डिलीट का तो होगा ही होगा। अब जैसे ये वाला है ये यहां से डिलीट कर दीजिए, नहीं करेगा। ठीक है जी। ये आप किस में गए थे? आप उसी में गए ऑप्शंस में हाँ उसी में गया हूँ, इन प्रूफिंग ऑटो करेक्ट ऑप्शन देखते और ऑटो करेक्ट में। हैं। हाँ देखिए इधर प्रूफिंग में हाँ ओके ऑटो करेक्ट हाँ गया ऑप्शन डिलीट ओके और इसमें। ठीक है जी। यहाँ से क्लिक करके बस आपको यहाँ से डिलीट करना है। ठीक है जी। और दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है हमारे साथ कि जब भी हम कोई भी ईमेल आईडी डाल दिया, ये भी बहुत दिक्कत कर देता है।
अब ये कन्वर्ट हो गया आपने लिंक में, आपने इसको एडिट करने की गुस्ताखी की तो ये चला जाएगा, मेल मारेगा या लिंक पे क्लिक हो जाएगा, ठीक है जी। तो ऐसे ऑप्शन अगर आप मेल आईडी का डेटाबेस बना रही हैं, कुछ ऐसा बना रही हैं, आप चाहती हैं कन्वर्ट ना हो, ठीक है जी, हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो रहा है बेसिकली देखा जाए तो हाइपरलिंक का कन्वर्जन रोकना चाहती हैं कुछ टाइम के लिए, तो इसी में प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाके ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप है, इसमें इंटरनेट एंड नेटवर्क पाथ एंड हाइपरलिंक्स को इसको हटा दीजिए, तो कोई भी जो भी मेल डालेंगी वो चेंज नहीं होगा। ठीक है जी, तो वो टेम्परेली उसको ऑफ कर सकते हैं। ओके ठीक है जी, ये मिल गया मुझे। हाँ तो इसको मैं वापस ठीक कर देता हूँ क्योंकि तो इनसे ये हमेशा गड़बड़ करती हैं। ठीक है जी, अब दूसरी चीज है सेविंग ऑप्शंस। जब हमारा 2007 लॉन्च हुआ था तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी, हमें सबके पास 2007 नहीं था, हमारे जैसे एडवांस यूजर थे वो 2007 लेके बैठे हुए थे। अब उसमें क्या हुआ कि शुरुआत में लोगों को पता पड़ा कि इसका फॉर्मेट उसमें खुलता नहीं है, तो सेविंग ऑप्शन यूज करते थे हम, 97 के फॉर्मेट में सेव करते थे किसी भी वर्कबुक को। तो अगर मैं अपना सेव एज का ऑप्शन दिखाऊं तो मेरा सेव एज का ऑप्शन आपको दिखा रहा है, देखिए बाय डिफॉल्ट ये एयरटेल में डी में एयरटेल में सेट है, ये डिफॉल्ट है, हर बार यही खुलेगा। ठीक है जी, दूसरा डिफॉल्ट क्या सेट किया है मैंने, एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक। ये मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक का ऑप्शन जो है ये मैक्रोज के लिए होता है, क्योंकि अगर मैं मैक्रो लिखा मैंने कुछ और नॉर्मल एक्सेल फाइल में सेव कर दिया तो मेरा मैक्रो उड़ जाएगा, तो मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में हमेशा सेव करना पड़ता है मुझे। तो इसके लिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता था, मैं चाहता था कि ये ऑप्शन जो है डिफॉल्ट में आए, लोकेशन भी और ये मेरा सेव एज टाइप भी। ठीक है जी, तो उसको डिफॉल्ट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे सेव ऑप्शन है और यहाँ से मैं चूज कर सकता था सेव फाइल्स इन फॉर्मेट, तो मैं फॉर्मेट जो भी चूज करूंगा वो डिफॉल्ट चलेगा मेरा। ठीक है जी, दूसरा यहाँ पे जो मैंने लोकेशन दे रखी है, ठीक है जी, उसको जो चेंज कर दूंगा मैं तो बाय डिफॉल्ट में उसमें चलेगा। मैं इसको कर देता हूँ वापस से डेस्कटॉप, डेस्कटॉप किस जगह से जाऊं, सी में से जाके यूजर्स में अपना उसमें डेस्कटॉप, क्योंकि फुल पाथ चाहिए, वहां ऊपर क्लिक किया तो ये मुझे पाथ मिल गया और यहां मैंने ये पाथ डाल दिया, ओके कर दिया। ठीक है जी, अब मैं जब भी देखूंगा तो इसमें सेव एज का ऑप्शन करूंगा तो बाय डिफॉल्ट डेस्कटॉप में आ रहा है। ठीक है जी, तो अपना कोई भी जगह आप बाय डिफॉल्ट सेट कर सकती हैं इसके अंदर। ठीक है जी, दूसरा मैंने मैं एक और चीज होती है कि कोई भी फाइल जो आप देखते हैं कि मान लीजिए आपका अनएक्सपेक्टेड शटडाउन हो गया या बंद हो गया, अचानक से बिजली चली गई, तो आजकल के एक्सेल में क्या है कि फाइलें आपको मिल जाती हैं, ऑटो रिकवर साइड में यहाँ पे एक वो बन के आ जाता है जिसके अंदर आपको फाइल रिकवरी मिल जाती है। वो रिकवरी कैसे मिलती है, यहाँ पे ये ऑप्शन चेक होता है आपका सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एंड एवरी 10 मिनट, हर 10 मिनट में आप करें ना करें ये अपने आप कर लेता है। 2003 के वर्जन में क्या था, एक हाथ हमारा कंट्रोल एस पे रहता था, बाकी सारा हम काम करते चलते थे, ताकि बंद हो गया तो हमें फाइल नहीं मिलेगी, तो ये अपने आप ही करता है ये चीज। ठीक है जी, ऑटो रिकवर की फाइल कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है। ठीक है जी, बट आपको एक और चीज दिखाता हूं जो आपके वाले ऑप्शन में, क्योंकि एक्सेल में अगर मैं इस ऑप्शन पे जाता हूं तो अभी फिलहाल मुझे कोई फाइल नहीं दिखेगी, 2007 तक ये ज्यादा सीरियस नहीं लेता था चीजों को, ये बस जब आपने कर दिया ना नो तो अपने आप डिलीट कर देता था वहां से, पर एक्सेल 2013 ने इस ऑप्शन को अच्छा किया थोड़ा सा, और इसमें जब हम जाएं फाइल में अपने और इन्फो में जाएं, यहाँ पे हमारे पास मैनेज वर्जन का एक बटन है, इसमें जाएंगे तो रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक, तो जो भी मैंने काम किया होगा और उसको सेव नहीं किया होगा वो मेरे को इस फाइल में मिल जाएगा, यहाँ मोस्टली मिल जाएगा। ठीक है जी, मान लीजिए 10 मिनट के लिए भी मैंने कोई फाइल बनाई, बॉस ने मांगा कि प्रिंट निकाल के दे दे भाई उसका, मैंने फॉर्मेट करके बना बनू के दिया,
पता चला उसमें कुछ गलत हो गया, बॉस ने कहा कि इसे एडिट कर ला। अब मुझे याद आया मैंने तो सेव ही नहीं किया था, तो वो फाइल कोई भी ऐसी फाइल जिसे मैंने 10 मिनट से ज्यादा यूज किया है और सेव नहीं किया है वो आपको उसमें मिल जाएगी। ओके ठीक है जी। दूसरा, अब ये 10 मिनट में ऑटो रिकवर जो करता है उसकी एक चीज और होती है प्रॉब्लम, कि कोई बड़ी फाइल हो ना, अब हम आते हैं लार्ज डेटा पे फिर से, तो बड़ी फाइल क्या करती है, अब सेव होने में ही वो मान लीजिए 10 मिनट ले लेगी आपके, तो फिर 10 मिनट बाद उसमें सेव होना है तो वो हैंग कर करके चलेगी आपकी फाइल। तो हमारे पास एक एक्सेप्शन है कि हम टेम्परेरली अपना डिसेबल ऑटो रिकवर फॉर दिस वर्कबुक ओनली सिलेक्ट कर सकते हैं किसी ऐसी फाइल पे, जो भी आपकी एक्टिव फाइल होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकती हैं। ठीक है जी, टेम्परेली इससे डिसेबल कर सकती हैं। ठीक है जी, ओके कर दीजिए। देन अब चलते हैं एडवांस ऑप्शंस पे। ठीक है जी, अब आपको एक चीज पता है कि हम जब ये एंटर दबाते हैं तो नीचे आ रहा है, ठीक है जी, डाउन में आ रहा है, शिफ्ट एंटर दबाएंगे तो ऊपर जाएगा, टैब दबाएंगे तो आगे जाएगा, शिफ्ट टैब दबाएंगे तो पीछे आएगा। तो ये जो एंटर पे जो डायरेक्शन डाउन जा रही है इसकी एक सेटिंग है एडवांस में, कि कई बार मान लीजिए बिगड़ जाती है तो यहां से डायरेक्शन कभी आपकी चेंज हो गई तो ये इसकी सेटिंग उस हिसाब से चलेगी, कि आप एंटर मार रही हैं वो राइट राइट चले जा रहे हैं। ठीक है जी, ओके ठीक है जी। और कई बार हम फाइनेंशियल डेटा जैसे बैंक वाले क्या करते हैं कि कोई डेसिमल में उन्हें पोजीशन डालनी है, तो ये ऑप्शन का यूज करते हैं कि ऑटोमेटिकली इंसर्ट डेसिमल पॉइंट। ओके, जैसे पीएनबी का आप देखेंगे जो एटीएम होता है तो उसमें आपने डॉट के साथ कुछ भी डालना है तो आपने कुछ भी लिया तो ऑटोमेटिक डॉट डाल देता है उसके अंदर। ठीक है जी, तो ये यही वो भी ऑप्शन है कि ऑटोमेटिक डॉट डाल देगा आपका, तो आपको डॉट बार बार डालने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। ठीक है जी, बट अगर आपके सामने ये एरर आई है नहीं पता पड़ा है तो यहीं से ठीक होने वाला है, अनचेक कर दीजिए। दूसरा मैं बता रहा था आपको कि कई बार हमारा वो काला सा निशान क्या है, गायब हो जाता है। अब देखिए मेरा ड्रैग का ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है जी, और ये मैक्सिमम मैंने प्रॉब्लम देखी है जो फंसा देती है लोगों को कि ड्रैग कहां से करूं, या तो है ही नहीं। तो ये ऑप्शन भी आपका एडवांस में ही होता है। ये आपका जो तीसरा ऑप्शन है ये इनेबल फिल हैंडल सेल ड्रैग एंड ड्रॉप, ये अनचेक हो जाता है कई बार, तो इसको ओके कर दीजिए। ठीक है जी, आपका वो ड्रैगिंग फीचर वापस आ जाता है। ठीक है, देन और देखते हैं बाकी एडवांस में नॉर्मल कुछ नहीं है। अब बाकी जैसे ग्रिड लाइन का कलर है, कईयों में आपने देखा होगा रेड आता है ग्रिड लाइन का, तो ग्रिड लाइन का कलर यहाँ से चेंज होता है आपका। हालांकि जो आपने अगर कभी रेड वाला देखा होगा तो XSLV फाइल है, बाइनरी फाइल कहते हैं जिसको, डेटाबेसिस में कई बार यूज किया जाता है तो उनके अंदर ऐसी फॉर्मेटिंग होती है, हालांकि नॉर्मली नहीं होती है। ठीक है जी, वैसे ये मेरे ख्याल से व्यू के अंदर भी कहीं होता है, कहाँ होता है व्यू में नहीं, अच्छा वहीं होता है शायद, या होता होगा इसमें भी कहीं मैंने देखा था शायद। तो आप एडवांस में जाके इसका कलर वलर कभी चेंज हुआ हो या ना पसंद आ रहा हो तो कर लीजिए। ठीक है जी, बाकी इसके बाद चलते हैं कस्टमाइज पे। अपने कस्टमाइज के अंदर आप अपने जैसे आप देख रही होंगी मेरे पास, इसको ओके करता हूँ। जो पेस्ट एज वैल्यूज के लिए जो बटन है मेरा, मैं इसको कंट्रोल सी किया और यहाँ आया तो पेस्ट एज वैल्यूज के लिए मैंने यहाँ पे ये शॉर्टकट दे रखा है, इसको क्लिक किया माउस के ऊपर शॉर्ट। ठीक है जी, तो ये शॉर्टकट कैसे बनाते हैं हम, यहाँ से बनाते हैं कस्टमाइज से ऊपर, तो ये आपकी कहलाती क्विक एक्सेस टूल बार, जो ऊपर है ये क्विक एक्सेस टूल बार है। इसके अंदर कोई भी चीज आपको करनी है तो आप यहाँ से ऐड कर सकती हैं। ठीक है जी, इसको मैक्रो को रिमूव कर दी। फिल्टर का भी मैंने डाल रखा है, तो जैसे ढूंढना कहाँ से है यहाँ पे आपको सारे वो दिख जाएंगे, होम टैब या जहाँ पे भी होगा होम टैब के अंदर। फिर ये अल्फाबेटिक है, पेस्ट वैल्यू जो है वो पी में होगा, पेस्ट एज पिक्चर, पेस्ट पिक्चर लिंक वाला जो ऑप्शन बताया था आप इसमें डाल सकती हैं। ठीक है जी, पेस्ट पिक्चर लिंक का कर दिया डायरेक्ट मैंने, बस यहाँ सिलेक्ट किया और कॉपी किया और यहाँ पे मेरा पेस्ट पिक्चर लिंक का ऑप्शन आ गया, तो लिंक टू पिक्चर मेरी ये बन गई।
ठीक है जी। तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस करो तो ये ठीक है। तो ये शॉर्टकट भी आप ऊपर बना सकती हैं। इनके शॉर्टकट भी वही होते हैं, ऑल्ट का बटन एक बार प्रेस करके छोड़ेंगी तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आते हैं। ठीक है जी। ओके। तो इसका यूज कर सकते हैं इसमें। बाकी आपका एडिंस में चलते हैं। एडिंस का यूज जो होता है वीबीए प्रोग्रामिंग के लिए होता है, मैक्रोस वगैरह ऐड करने के लिए होता है। ठीक है जी। एक्सेल एडिंस, गो और ब्राउज करके कोई भी हम एडिन फाइल इसमें लगा सकते हैं। एडिन क्या होते हैं, मैक्रो वगैरह बनाते हैं तो हम यहीं से यूज करेंगे, यहां से ऐड करेंगे, यहां से ओके करेंगे तो हमारे पास मैक्रोज में दिखाएगा वो। ठीक है जी। और हाँ, ओके। जब एड इन करके आप ऐड करेंगी तो मिलेगा आपको कहाँ, कस्टमाइज में। कस्टमाइज में किस में, मैक्रोज में। और मैक्रोज में यहाँ पे आपको दिखा देगा, किसी भी एड इन से आया हुआ होगा ना, ऐसे विजिबल नहीं होगा, यहाँ पे होगा, फिर यहाँ क्लिक करके आप उसको ऐड करेंगी इधर तो आपके यहाँ ऊपर चला जाएगा वो मैक्रो। ठीक है जी। तब आप यूज कर पाएंगे। तो कस्टमाइज फिर मैक्रोस। हाँ, कस्टमाइज में मैक्रोज में होता है वो। आप वीबीए करेंगे तो वो भी आपको आ जाएगा, वैसे तो अभी कभी यूज करेंगे तो। ठीक है जी। देन उसके उसके बाद है हमारा ट्रस्ट सेंटर। ट्रस्ट सेंटर में कुछ सिक्योरिटी सेटिंग होती है। ट्रस्ट सेंटर सेटिंग, इसके अंदर आपकी एक्टिव एक्स सेटिंग है इनेबल डिसेबल करने के लिए। एक्टिव एक्स कंट्रोल होते हैं हमारे इसमें, जैसे बटन का हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ड्रॉप डाउन कॉम्बो बॉक्स हो गया, वो है वो इनेबल डिसेबल, मैक्रो इनेबल डिसेबल करने के लिए। हर फाइल में मैक्रो नहीं चलते हैं, इनेबल करना पड़ता है मैक्रो को। ठीक है। मैसेज बार, मतलब एक पीली से मैसेज आता है कई कई फाइल में, तो वो इनेबल डिसेबल करने के लिए। एक्सटर्नल कंटेंट अलाउ करना है, निकलना, मतलब एक्सेल में किसी बाहर की फाइल से डेटा ले रही है तो वो भी इनेबल डिसेबल का ऑप्शन यहाँ पे है। ठीक है जी। तो ये ऑप्शंस आपके यहाँ पे हैं। तो ये था आपका फुल चैप्टर जो था मेरा, पेस्ट स्पेशल कस्टमाइजेशन एंड शॉर्टकट्स का था। ठीक है जी। तो ठीक है। आपको मैंने आज मतलब 2 क्लास के इक्वलेंट का डेटा आपको पढ़ा दिया है। बाकी अब आगे सुजीत सर कंटिन्यू करेंगे, और आपकी ईमेल आईडी पे जैसे वीडियो कन्वर्ट हो जाएगी, यूट्यूब का लिंक आपके पास चला जाएगा, किसी भी वेबसाइट से, यूट्यूब डाउनलोडर से आप डाउनलोड कर सकती हैं उसे। ठीक है जी। ओके ठीक है। जस्ट वन क्वेश्चन, आप जो ये दे रहे हैं कोई